नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुसेन चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट। अपने चैनल पे आप लोग के लिए हमेशा बोन, जॉइंट्स, नस एवं मांसपेशी से संबंधित वीडियोस लाता हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी होंगे और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोरोना के इस पेंडेमिक में सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करूँगा। इस टॉपिक पर मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब, हमारी हड्डी जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, ये कैसे पता करें? हमारे ऑपरेशन को इतने दिन हो गए बट अभी भी हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी हड्डी जुड़ भी रही है नहीं जुड़ रही है, हमारी हड्डी कब जुड़ेगी। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल दोस्तों मेरे पास आए थे, तो मैं आज आपके इन्हीं सवालों के बारे में इस ब्रीफली आपको बताऊँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी हड्डी जुड़ रही है या आने वाले टाइम पर कितने टाइम पर जुड़ेगी, और आपकी हड्डी में अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो इसके हील होने की कितनी संभावना है। दोस्तों, इन सब के बारे में आज आपसे बात होगी। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा बोन, जॉइंट्स एवं नस संबंधित वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा दी जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपकी हड्डी टूटती है तो इसके क्या क्या साइन होते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी हड्डी टूटी है। सबसे पहले ये जानते हैं, इसके बाद आपको ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपकी हड्डी जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, इसे आप कैसे जानें। दोस्तों, जब भी हड्डी आपकी कोई टूटती है तो सबसे पहले तो हड्डी अपने आप नहीं टूटती। आपकी हड्डी टूटने के लिए कोई ना एक घटना या कोई बैक में एक इंसिडेंट होता है, आपका कोई एक्सीडेंट होता है जिस कारण आपके पैरों पे, हाथों पे चोट लगती है और वहाँ की हड्डी टूटती है। दोस्तों, हड्डी जब टूट जाती है तो वहाँ पे सबसे पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन, बिल्कुल भी कई बार ये सहन के लायक भी नहीं होती। दूसरी बात, वहाँ पर स्वेलिंग आती है। यदि आपकी ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे ब्लड भी बाहर निकलता है और कई बार तो बोन लॉस हो जाते हैं, यानी वहाँ घाव से ही बोन बाहर निकल जाता है और आपके पैरों में डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी आपके पैर हाथ बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये तो सारे होते हैं फ्रैक्चर के साइन होते हैं कि आपकी हड्डी अब टूट चुकी है। दोस्तों, एक बार फ्रैक्चर होने के बाद इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे बहुत लोग पहलवान के पास जाते हैं तो कई लोग सपोर्ट के लिए कुछ भी लगा दिए, कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने आपको स्लैब लगा दिया, कई डॉक्टर आपको कास्ट लगाते हैं, कई बार आपको ऑपरेशन के लिए कहते हैं तो ऑपरेशन में आपके बाहर से रॉड लगा दिया जाती है, जिसे हम एक्सटर्नल फिक्सेशन कहते हैं। कई बार ऑपरेशन से अंदर प्लेट लगती है या अंदर आपके हड्डी के अंदर रॉड लगती है, जिसे हम इंटरनल फिक्सेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं आपकी हड्डी को जोड़ने के लिए, बट उसके बाद भी आपकी हड्डी तुरंत नहीं जुड़ती, उसके बाद भी आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है और आपको एक ऑप्टिमम टाइम का वेट करना पड़ता है जिससे आपकी हड्डी को जुड़ने का वक्त मिले। कोई भी हड्डी दोस्तों तुरंत कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद नहीं जुड़ती। हर एक हड्डी की एक ड्यूरेशन होती है कि जैसे आपकी जो हैंड की बोन है, आपकी जो पैरों की बोन है, आपकी स्पाइन है, सबका अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है और इसी टाइम पीरियड में ही आपकी हड्डी जुड़ती है। अगर इस टाइम पीरियड में आपकी हड्डी नहीं जुड़ती तो हम उसको नॉन यूनियन कहते हैं और उसके बाद हमें फर्दर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आपके पैरों की हड्डी टूटी है और आपके हाथों की हड्डी टूटी है और एक काफ़ी टाइम बीत गया, आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि 4 महीने या 6 महीने आपकी हड्डी जुड़ जाएगी बट आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है, तो आप कैसे जानें? दोस्तों, सबसे पहले यदि आपके जहाँ पे हड्डी टूटी है वहाँ कई दिन बाद, बहुत दिन बाद भी आपको पेन हो रहा है तो आप समझिए कि आपकी हड्डी पूरी तरह नहीं जुड़ रही है। वहाँ पे हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो या आपकी हड्डी के जुड़ने की जो लेट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ एक कारण हो सकता है। साथ साथ दोस्तों, आप उस पर वजन नहीं डाल पा रहे हैं। यदि आपके पैरों की हड्डी है तो आप उस पर वजन नहीं डाल पा रहे हैं। जब भी आप वजन डालने की कोशिश करते हैं तो आपके उस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये भी एक साइन होता है कि आपकी हड्डी अभी नहीं जुड़ रही है। तीसरी सबसे जो इम्पॉर्टेंट साइन होता है दोस्तों, आपके जो जहाँ पे हड्डी टूटी है वहाँ के जो भाग होते हैं आपस में थोड़े थोड़े हिलते हैं, यानी आपका जो पैर का सबसे आखिरी का हिस्सा होगा उस हिस्से में एक मोबिलिटी होगी। एक आप अगर आप कंपेयर करेंगे अपने नॉर्मल पैर को तो उस पैर की तुलना में इस पैर में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी होगी, यानी उस पैर में थोड़ी जान कम होगी और आपको वेट उसमें डालने में थोड़ी हिचकिचाहट भी होगी और आप वेट पूरी तरह नहीं डाल पाएंगे, और जब भी आप वेट डालेंगे दोस्तों तो वहाँ पर पेन होता है। ये तो सारे हो गए कि आप कैसे पता कर रहे हैं कि आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है। दोस्तों, यदि आप एक्सरे में देखेंगे तो अगर एक्सरे में, जैसे इस फोटो के माध्यम से दिखाया गया है, एक एक्सरे है, इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि जो हड्डी टूटी हुई है इसकी चारों ओर अभी तक कोई कैलस या फिर कोई भी सीमेंट की जैसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। दोस्तों, एक आप दूसरे एक्सरे में देख सकते हैं, ये एक हड्डी जुड़ता हुआ हड्डी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हड्डी के चारों ओर एक आपको बिल्कुल छोटी छोटी व्हाइट कलर की कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिख रही है दोस्तों, जैसे सीमेंट की तरह
पक्का सीमेंट जैसा होता है, कच्चा सीमेंट होता है, वैसे कच्चे सीमेंट के आपको चारों तरफ, उस बोन के चारों तरफ एक शैडो दिख रहा है दोस्तों। तो ये जो शैडो है इसे ही हम कैलस कहते हैं। ये बताता है कि आपकी हड्डी में जुड़ने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है और ये आने वाले टाइम पे कंसोलिडेट होकर आपकी हड्डी को पूरी तरह जोड़ देगी। दोस्तों एक्सरे में तो ये दिख जाता है, हर आदमी जरूरी नहीं इसको देख पाए, आपके सर्जन या आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वही आपको बता पाएंगे, बट ये आपको एक प्राइमरी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यदि इस प्रकार का कैलस काफ़ी टाइम के बाद भी नहीं बन रहा है तो आप मान लीजिए कि आपकी हड्डी में अभी नहीं जुड़ रहा है और आपको अपने डॉक्टर से फिर से इसको दिखाना है कि आपकी हड्डी नहीं जुड़ने की क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली हड्डी अपने टाइम पे जुड़ जाता है, बट यदि आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है तो कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया हो, आपके जो हड्डी को बैठाया गया हो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठाया गया हो, आपकी हड्डी में जो अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आपके में प्रोटीन की कमी है, या आपको कोई लॉन्ग टर्म पहले से बीमारी हो, या आपको आप स्मोक करते हो, आप अल्कोहल लेते हो, आप टोबैको लेते हो, इस प्रकार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपकी हड्डी के नहीं जुड़ने के। दोस्तों आपकी हड्डी एक बार कैलस आपका दिख जाता है तो आपकी हड्डी समझ लो जुड़ना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इसके बाद सवाल आता है कि ये हमारा हड्डी जो है अपनी जगह पे नहीं है और एकदम बिल्कुल क्लीन और नीट नहीं दिख रहा है जैसे नॉर्मल हड्डी होती है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। कुछ वक्त बाद जब हड्डी आपकी पूरी तरह जुड़ जाती है उसके बाद आपकी हड्डी में रीमॉडलिंग होती है, रीशेपिंग होती है, आपकी हड्डी पुनः अपने अवस्था में आ जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी लगभग लगभग आपके नॉर्मल बोन की तरह हो जाती है। इस पर आपको घबराना नहीं है, आपको एक्सरे देख के खुद ब खुद डायग्नोसिस नहीं बनाना है कि मेरी हड्डी टेढ़ी हो रही है नहीं जुड़ रही है, आपको अपने डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए अच्छी मिली, आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके हमेशा लिए कराता रहूंगा। यदि आपको कोई भी बोन जॉइंट नस से संबंधित आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं कोशिश करूँगा 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए बाय।